ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चावल का बहुत महत्व है दोस्तों। चावल कई सारे ग्रहों को प्रभावित करता है। चावल के उपायों से कई सारे ग्रहों को आप सही कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हमारी कुंडली में यदि ख़राब है, उन्हें आप सही कर सकते हैं। चावल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि चावल में भगवान विष्णु का वास होता है। और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ धन धान्य सुख वैभव और जितनी सारी भौतिक सत्ताएं हैं वो मिलती है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक सत्ताएं भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अधीन है। साथ ही साथ शिव को भी बहुत प्रिय है चावल, इसलिए चावल का ग्रहों के अनुसार बहुत बहुत महत्व है। और इसी विषय को लेकर आज चावल के ऐसे चमत्कारिक उपाय आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। और इन उपायों को करने के बाद आप अपनी कुंडली में जितने सारे नकारात्मक प्रभाव इन प्रभावों को कम कर सकते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर उन प्रभावों को अपने जीवन में महसूस भी करेंगे इन उपायों को करने के बाद। होता है कई बार जातकों के काम नहीं बनते, जैसे कोई भी काम आपने शुरू किया और काम नहीं बन रहा है, बार बार करने के बाद भी काम में सफलता नहीं हो रही है। तो आपको सवा किलो चावल ले और वो चावल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दें। और वो डोनेट ऐसा करना है कि प्रायोजित नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम प्रायोजित हो कि चलो मैं यहाँ से लूँगा और इस व्यक्ति को दूँगा। सवा किलो जो चावल है अपने पास रखें, अपनी गाड़ी के डिक्की में रखें, अपने पास रखें, अपने बैग में रखें, और जब भी लगे कि यहाँ देना चाहिए वहाँ तुरंत दे दीजिएगा। ये उपाय इस तरह से करना है, एकदम सडन, बिल्कुल प्रायोजित तरीके से नहीं करना है। ये बात थोड़ी सी समझ लीजिएगा। जैसे ही आपको ज़रूरत व्यक्ति दिखा, जैसे अनाज की ज़रूरत है, वहाँ पर आपने तुरंत दिया, ये उपाय आप करें। ऐसा एक बार करें, एक ही बार करने से इसके प्रभाव आपको जीवन में दिखेंगे। जो शांति महसूस होगी वो भी अलग बात है, और जो चीज़ आप उस समय महसूस करेंगे वो सिर्फ आपका अनुभव रहेगा। उस अनुभव को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप साझा नहीं कर सकते, किसी से भी साझा नहीं कर सकते, मतलब आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, मेरा उस विषय से कहने का मतलब। दूसरा उपाय है कि जब कभी भी आप सूर्य को नियमित पहले तो जल से अर्घ दें और जल से अर्घ देने के साथ उसमें चावल के दाने मिलाएं, 2, 3, 5 जितने भी चावल के दाने हों उस दानों के सहित जल में डाल दें और अर्पित करें। कोशिश करें पानी के छींटे हमारे पैरों पर नहीं लगना चाहिए। कोशिश करें कि पानी जो है, जो जल पे चढ़ा हुआ जल है, वो कहीं गंदगी में ना जाए, वो सोख ले, किसी गमले में डाल दे या किसी ऐसी सुरक्षित जगह पे हो कि जो पानी ज़मीन सोख ले। ऐसा ना हो कि वो लात पैर में जाए, वो सभी होना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे विषय है। तीसरा उपाय मैं आपके साथ साझा करूँ, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे। और अगर जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या आपको ऐसा लगता है कुछ प्रश्न जो आप जहाँ पर आप रुक रहे हैं या जिनसे आपको परेशानियाँ हो रही है, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। शायद आपकी किसी समस्या का एक सकारात्मक समाधान मिले, जो भी कुंडली में चीज़ें चल रही है उनके अकॉर्डिंग कुछ रास्ता मिले। हमसे जो भी मदद हो पाएगी ज़रूर आपकी करेंगे। तीसरा उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ का सावन महीने में या किसी और महीने में भी, सावन में करें तो बहुत ही बेहतर है, या किसी अन्य महीने में भी चावल से अभिषेक करें। चावल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, फिर उस चावल की आप खिचड़ी या कोई भी प्रसाद बना लें, खीर बना लें और प्रसाद के स्वरूप बांट दीजिएगा। एक बार करें, अपनी स्वेच्छा अनुसार करें, आप जितना भी कर पाएँ उतना करें। ऐसा नहीं कि 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो, आप 1 किलो तो 1 किलो, आप अगर आधा किलो तो आधा किलो, वो जो चावल है उन चावलों को आपको प्रसाद के रूप में बनाना है, अभिषेक किए हुए चावलों को, और बांट देना है, या खिचड़ी बना ले या खीर बना ले, जो भी बना पाए। अगला उपाय करना है कि जहाँ कहीं भी अन्य क्षेत्र हो, जैसे आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएँ तो वो अन्य क्षेत्र अवश्य होता है, तो उस अन्य क्षेत्र में चावल डोनेट करें। जब आप ये करेंगे, ये सभी उपाय एक ही बार करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी आप करेंगे ना तो इसके फायदे आपको बहुत कम समय में दिखाई देने लग जाएंगे। आप खुद समझेंगे, इन अनुभव जो अनुभव होंगे आपको इनको करने के बाद वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, उसके जो प्रभाव होंगे वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत चमत्कारिक है, ये उपाय बहुत सटीक है, बहुत सरल भी है, और आप ये कर सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर करें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चाहते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा, तो कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और चाहते अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, फिर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। ओम।